सो अभी गाड़ी में क्या क्या काम है ना बताते हैं। पीछे का काउल लगेगा, ठीक है। चेंज पॉकेट तो चेंज बाद में चेंज करवाएंगे। आगे का वॉल सील भी एक लीक कर चुका हुआ है, इस वाला आई ओके सो ऑल राइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया एंड फिट होंगे। सो गाइस, हम गाड़ी में कुछ रैप का काम करवा रहे थे। सो ये रैप होके ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया था, हम वीडियो नहीं बनाए थे इसके ऊपर। हम सोचे थे एक ही बार काम हो जाएगा तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रैप उप में अपना प्रॉब्लम आई है। मतलब यहाँ गाड़ी पर चोट लग गया था, और ये वाला जो रेड वाला है ना, इसको भी मैं को रैप करवाऊँ तो पूरा काम होने से पहले ही थोड़ा डैमेज हो गया गाड़ी। तो कोई नहीं, कैसे हुआ आपको बताएंगे वो भी। पहले एक बार गाड़ी का लुक चेकआउट करो, ठीक है। अभी ब्लैक एंड वाइट में स्टिकर करवाएं। ये पैनल पूरा विनाइल से रैप हुआ है, और यहाँ पर छोटा छोटा डिटेलिंग में कुछ स्टिकर हुआ है। यहाँ R15, यहाँ GoPro का स्टिकर, और ये कैसा लग रहा है? 155 cc यामा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। एक बार पीछे से भी लुक देख लो। पीछे का कॉल जो है ना, कस्टम वाला मंगवाए थे, वो पेंट करने दिए हुए हैं। उसका पेंट ना, जो डोमिनार का ग्रीन आता ना, वो वाला करवाना, तो वो कलर ना बन नहीं रहा। मतलब कि उसका सैंपल लेके जाना होगा, तब जाके बढ़िया से बनेगा। एक बार पीछे से लुक चेकआउट करो यहाँ से, ठीक है। टायर कैसा लग रहा है वो भी बताना। टायर मेरा ऑलमोस्ट न्यू है, इसमें हम बर्नआउट भी नहीं मारे बोल के। गाड़ी का ये वाला पार्ट हम सोच रहे ब्लैक करवा दे या वाइट करवा के, इसमें भी वैसे स्टिकर का काम करवा ले तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। हम सोच रहे ना आगे में भी कुछ स्टिकर का काम करवा ले, ताकि आगे पूरा खाली खाली है ना, तो भी अच्छा लगेगा। तो भी बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है। लाइट बंद कर दो, बैटरी ज़्यादा नहीं है, मतलब बैटरी डाउन हो जाती है इससे। सो अभी गाड़ी में क्या क्या काम है ना बताते हैं। पीछे का काउल लगेगा, ठीक है। चेंज पॉकेट तो चेंज बाद में चेंज करवाएंगे। आगे का वॉल सील भी एक लीक कर चुका हुआ है, इस वाला आई थिंक। हाँ, एक वॉल सील, हाँ ये वाला वॉल सील है ना, सेकेंड वाला, इस तरफ वाला लेफ्ट वाला, वो भी लीक कर चुका है, उसको भी चेंज कराना है। सो यहाँ पर क्या बनता है, एक ऑटो से टक्कर हो गया था छोटा सा, तो ये स्टिकर अपना फट गया यहाँ से, देख रहे हो GoPro का निकल रहा है यहाँ पर। और ये थोड़ा ब्लिंकर में लगा है, और ये पैर वाला थोड़ा अंदर चला गया, और आगे के लीवर तो मेरे से बैंड था, वो भी थोड़ा बैंड हो गया, ठीक है। ये सब आप उन लोग चेंज करा लेंगे, ठीक है। और बाकी बात गाड़ी को वॉश भी करना है। इसको ना ज़्यादा प्रेशर में वॉश नहीं करवा सकते हैं तो निकल जाएगा, क्योंकि ये विनाइल के ऊपर वो वाला रैप नहीं है ना जो गाड़ी के लिए आता है एक्स्ट्रा, वो वाला रैप नहीं है, इसको हम लोग ने खुद से बनवाया है। और पूरा लुक चेकआउट करो, यहाँ धूप था ना, तो हम सोचे कि यहीं गाड़ी लगा के बना लेते हैं। जो वॉल सील लीक हो रहा ना, उसका चक्कर में ना पूरा यहाँ पर ना ऑयल हो गया है, पूरे टायर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिम पर। तो हम सोचे थे गाइस कि एक बार में कंप्लीट हो जाए गाड़ी तो दिखाएंगे करके, बट ठीक है कोई नहीं, एक बार इतने कम्प्लीट जितना हुआ उतने में देख लो आप लोग। और ऐसे ही स्टिकर होगा ब्लैक वाइट में। ये हम ब्लैक वाइट इसलिए करवाएं ताकि इन फ्यूचर मेरे को मन करेगा हटाने का, तो हम इसको आराम से हटा भी सकते हैं। इसके अंदर का जो ब्लैक पेंट है वो काफ़ी अच्छा है मेरा, उसीलिए हम इसके ऊपर वापस पेंट नहीं करवाए। अगर मेरे को चेंज करवाना होगा ना, तो हम पूरा R1M का बॉडी लगवाएंगे। ऐसे बाइक ठीक है। आगे का चक्का भी पूरा मेरा ख़त्म हो चुका है, इसको भी चेंज करना है, प्लेन हो गया, क्योंकि इसे रोड ग्रिप ना बहुत कम पकड़ता है। और अभी रिसेंटली आज ही IG हंटर ईशान का ना व्हीली मारते हुए गाड़ी क्रैश हो गया थोड़ा। तो भाई कोई भी अगर व्हीली व्हीली मारता है तो फुल सेफ्टी में रहो, ठीक है। कम से कम हेलमेट तो पहनो और ग्लव्स पहनो, और ख़ुद का अपना ध्यान रखना भाई। बस यही अपडेट देना था। गाड़ी का जो छोटा मोटा काम हो वो आपको दिखा देते हैं, और जब पूरा एक बार काम कंप्लीट हो जाएगा तो जब गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक अलग से वीडियो बना देंगे। सो गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वो अंकल पूछ रहे क्या हुआ, कुछ नहीं अंकल, हम लोग वीडियो बनाते हैं अपना गाड़ी का। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम लोग यूट्यूब चैनल है तो उसमें हम लोग वीडियो बनाते हैं छोटा छोटा, तो बस। सो अंकल पूछ रहे थे इंश्योरेंस वाला है क्या, संभल नहीं, अपना चैनल है छोटा सा यूट्यूब में, उसी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो गाइस यही सब बताना था आपको वीडियो में। और हाँ, रहा बात GoPro का ना, मेरा तो GoPro का भाई 90% काम हो गया है। जो एयरपोर्ट में कस्टम वाले लोग थे ना, तो वो लोग से 90% क्लियरेंस हो गया है। कल बात हुआ था मेरा फिर GoPro से, सैटरडे था बोल के उनका हाफ डे रहता है, तो वो लोग बोल रहे कि इंश्योर मंडे तक आपका पूरा GoPro का क्लियरेंस ख़त्म हो जाएगा और GoPro आ जाएगा। ऑलमोस्ट 10 तारीख से मेरा GoPro ना पेंडिंग में है, क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है।
तो अभी देखते हैं, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बोल के हम वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहे हैं। कोशिश करते हैं सब शॉर्ट आउट हो जाए जल्दी से, एंड उसके बाद रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो बस इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जैसा कुछ अपडेट नया आएगा गोप्रो का या गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।